हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं झिलमिल गुफा, लेकिन रास्ते में रोड ख़राब है, गाड़ी अटक गई है, तो गाड़ी साइड में लगा के अब पैदल जा रहे हैं। करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना है झिलमिल गुफा, जो बाबा गोरखनाथ की गुफा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं झिलमिल गुफा। ये खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम पहले नीलकंठ महादेव गए थे। नीलकंठ महादेव से जब जाते हैं तो पार्वती माता का मंदिर आता है, वो पार्वती माता का मंदिर है, और उसके बगल से निकल के फिर झिलमिल गुफा जाते हैं। पैदल मार्ग अलग है, हमने सोचा था गाड़ी चली जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से पत्थर हैं तो टायर स्लिप कर रहे हैं, आगे जा नहीं पा रही गाड़ी। और झिलमिल गुफा, जैसा कि नाम है झिलमिल, जैसे रोशनी होती है झिलमिल, कभी हल्की हल्की सी पेड़ के पत्तों के नीचे झिलमिल झिलमिल सी रोशनी आ रही होती है, उसी तरह की रोशनी है वहाँ पे झिलमिल गुफा में। कहीं रोशनी है, कहीं अंधेरा है, इसीलिए नाम रखा गया है झिलमिल गुफा। बाई रोड जाने वाला रास्ता है, लेकिन इसमें गाड़ी हमारी अटक गई है और किसी और की गाड़ी भी खड़ी है, हालांकि कवर चढ़ा है, मतलब लोकल रेजिडेंट की गाड़ी है। और ये लिखा हुआ झिलमिल गुफा पैदल मार्ग, तो अब हम यहाँ से उतर के पैदल मार्ग पकड़ लेते हैं। पेड़ पे काफ़ी सारे लंगूर हैं। दोस्तों, आ गई झिलमिल गुफा। ये लाइमस्टोन केव टाइप की लग रही है, नेचुरल कार्विंग्स हैं गुफा के अंदर। और गुफा में बताते हैं कि बाबा गोरखनाथ ने शिव जी की आराधना की थी धूनी रमा के, तो वो धूनी के काले निशान आज भी गुफा में मौजूद है। ये दोस्तों पीछे दिखाई दे रही है झिलमिल गुफा, अभी अंदर चलते हैं, दो बाबा लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। दोस्तों, ये गुफा के द्वार पर ही बाबा गोरखनाथ की मूर्ति विराजमान है, और ये शिव जी का त्रिशूल, और काली माता, बजरंगबली, गणेश जी, एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और जो ये जो आप ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं, ये जैसे पाताल भुवनेश्वर जाते हैं तो वहाँ भी इसी तरह की, ये लाइमस्टोन केव्स होती हैं, रॉक्स अपने आप शेप ले लेती हैं। ये शिव जी की जटाओं की तरह से शेप है, आप अगर देखेंगे, क्योंकि इसमें चूना पोत दिया है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नाग देवता नज़र आ रहे हैं। ऊपर देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बताया जाता है कि बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर पूजा की थी, तो उन्होंने धूनी रमाई थी, तो उनकी धूनी से दीवारें काली हो गई, तो आप देखिए एकदम क्लियरली काली दीवारें दिख रही हैं। दूसरी बात, गुफा का नाम झिलमिल गुफा इसलिए कि जैसे झिलमिल झिलमिल रोशनी आती है, आप देखिए अंदर मेरी उंगली की सीध में देखें, कहीं अंधेरा है, कहीं रोशनी आ रही है, तो झिलमिल झिलमिल रोशनी आ रही है, इसलिए गुफा का नाम है झिलमिल गुफा। आइए चलते हैं ऊपर, बड़ी सुंदर लग रही है यहाँ से देखने में। गुफा में चमगादड़ लटक रहे हैं, बहुत सारे चमगादड़ हैं, ये नीचे देखिए चमगादड़ों की बीट पड़ी हुई है, और सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, कुछ अपने पंख फैला रहे हैं, और करीब करीब ये एक उड़ा। ये बहुत सारे जो चमगादड़ हैं, करीब 500-600 तो होंगे ही। और ये जो रॉक्स का मैं आपको बता रहा था डिज़ाइन, शिव जी की जटाओं की तरह से है। ये नाग देवता की मूर्ति विराजमान है, और ऊपर पूरा काला, जो बताया कि धूनी के निशान है, और ये धूप आ रही है। ये दोस्तों गुफा के टॉप पे आ गए हम, और ये जो नेचुरल कार्विंग्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं लाइन से लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये सारे बैट हैं, चमगादड़ हैं, ये जितने दिख रहे हैं। और ये जो दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद, शिव जी की जटाओं की तरह से रॉक की कार्विंग्स हैं, और अंदर गुफा का पूरा रंग काला है। तो ध्यान लगाते हैं यहाँ पे, और ये शिव जी की एक प्रतिमा विराजमान है, एक ज्योति चल रही है। ये व्यू आता है गुफा के टॉप से नीचे का, और ये दूसरा द्वार दिख रहा है। गुफा का कुछ इतिहास बताइए हमें। गुफा यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तप किया था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और सत ऋषियों ने किया था यहाँ पर। अच्छा। हाँ, भक्त दुर्लभ ने किया था यहाँ पर, ऋषि मुनियों ने किया था यहाँ पर। हाँ। गुरु मिलमल महाराज जी ने तपस्या करी थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और ये
मतलब कब से कितनी पुरानी गुफा होगी? ये तो सतयुग की गुफा है। सतयुग की है। ये क्या रखा है? ड्रम? अच्छा, वो आरती वाला है। आरती होती है सुबह शाम। तो फिर यहाँ पे वो भी आते होंगे, जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ, जंगली जानवर रहते हैं जंगल में। अच्छा, आसपास आते हैं? हाँ, आसपास रहते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छी जगह है ये। दोस्तों, जो झिलमिल गुफा है इसके बगल में ही दूसरी गुफा है इस तरफ। तो यहाँ पे दो गुफाएं हैं, एक वो दिख रही है, एक इधर पे। ये भी देखिए, नेचुरल कार्विंग्स हैं रॉक्स में। और ये इस गुफा में बजरंगबली की मूर्ति विराजमान है। पहले इन्हीं गुफाओं में बैठ के ऋषि मुनि तप किया करते थे। ये बाबा जी ने ध्यान लगाया हुआ है। दोस्तों, ये थी जानकारी झिलमिल गुफा के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।